तो दोस्तों पिछले लंबे समय से चले आ रहे इंतजार के बाद साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग के स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड को आखिरकार आज भारत में लॉन्च किया जा रहा है। इस फोन को बीते सप्ताह ही अमेरिकी मार्केट में उपलब्ध कराया गया था। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड बेहद ही अनोखा फोल्डेबल फोन है और कंपनी के लिए यह पहला ऐसा प्रोडक्ट है। फोल्ड नहीं होने पर इसमें टेबलेट के जितनी बड़ी स्क्रीन मिलती है, जबकि फोल्ड करने पर एक छोटी सेकेंडरी स्क्रीन इस्तेमाल में ली जा सकती है। गैलेक्सी फोल्ड की कीमत और इसकी सेल शुरू किए जाने का ऐलान भी आज के लॉन्चिंग इवेंट में किया जाना है। इतना जरूर तय है कि यह हर किसी के हाथों में पहुंचने जितना सस्ता तो कतई नहीं होगा। वैसे अमेरिकी मार्केट में जो इसकी कीमत रखी गई है उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सैमसंग इंडिया में इसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास रख सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के फीचर्स और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस फोन में 7.3 इंच का इन्फिनिटी वी फ्लेक्स डिस्प्ले 1536x2152 रेजुलेशन के साथ दिया गया है। वहीं फोल्ड करने पर फोन में एक छोटा 4.6 इंच का 840x1960 रेजुलेशन वाला डिस्प्ले भी दिया गया है। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड में 7nm का प्रोसेसर दिया गया है और यह 12GB रैम के साथ ही UFS 3.0 वाले 512GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। माइक्रो SD कार्ड की मदद से इस स्टोरेज को बढ़ाया जाना संभव नहीं होगा। वैसे भी 512GB की स्टोरेज हर किसी के लिए काफी से भी काफी ज्यादा होती है। पावर की अगर बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड में दो बैटरी दी गई है जिन्हें फोन के दोनों साइड में जगह दी गई है। दोनों बैटरियों को मिलाकर इनकी संयुक्त एनर्जी 4380 mAh की है जो कि पर्याप्त होती है। अब बात इस फोन के कैमरा सेटअप की करें तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड में कुल 6 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें से 3 फोन के रियर पैनल पर दिए गए हैं और 2 फोन के फ्रंट पैनल में हैं, जबकि फोन के बैक पैनल पर 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया है जिसका अपर्चर f2.2 है। दूसरा 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है जो ड्यूअल पिक्सल FOIS से लेस है और इसका तीसरा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है जो PDF OIS अपर्चर F2.4 और 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। फोन के फ्रंट पैनल पर 10 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है जिसका अपर्चर F2.2 है और दूसरा 8 मेगापिक्सल का RGB डेप्थ कैमरा है जिसका अपर्चर F1.9 है। इसके साथ ही 10 मेगापिक्सल का कवर कैमरा भी इस फोन में दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड एंड्रॉइड 9 पाई पर चलता है और यूजर्स 7.4 इंच के डिस्प्ले पर एक साथ 3 एप्स को चला सकते हैं। तो मेरे प्यारे महंगे स्मार्टफोन के दीवानों और दीवानियों, हाल ही में लॉन्च किए गए आईफोन 11 के बाद अब सैमसंग भी आपके लिए 1.5 लाख रुपए की कीमत वाला एक और प्रीमियम फोन लेकर आ गया है, जो हर किसी के हाथ में तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन प्रीमियम फोन चलाने वालों के लिए ये एक नया प्रोडक्ट जल्द ही बाजार में पहुंचने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वैसे खबरें ऐसी भी आई थी कि कंपनी अपने फोल्डिंग फोन कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है और इसीलिए कंपनी इस फोन का सस्ता वेरिएंट भी लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इसके लिए फिलहाल इंतजार करने के सिवाय अगर आपके पास कोई चारा है तो वो ये है कि वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इससे लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाला बेल आइकन जरूर दबा देवें और साथ ही ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लेवें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन्हें सबसे पहले देख सके। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई जानकारी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।